हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज मैं आप लोगों को यूनिट वन का नोट्स देने वाली हूँ, जिसका नाम है कार्बेनियन या कार्ब ऋणायन। यूनिट वन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का नोट है। अगर इसके अलावा आप बीएससी से रिलेटेड और भी वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोज जो है वो चेक कर सकते हैं। कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी किसी रीजन से, बट अब डेली वीडियोज जो है वो अपलोड होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कार्बेनियन। तो आज मैं आप लोगों को कार्बेनियन का जो है वो डेफिनेशन बताऊंगी, एग्जांपल इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और कौन कौन से ऑर्गेनिक रिएक्शंस इसमें होते हैं, सारा चीज आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन। तो इसके डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, वह ऋणावेशित आयन या निगेटिवली चार्ज आयन जिसमें ऋणावेश जो है वो कार्बन पर रहता है, कार्बेनियन या कार्ब ऋणायन कहलाता है। बहुत ही सिंपल है, मतलब अगर कार्बन पर निगेटिव चार्ज होगा, मतलब कार्बन पर अगर ऋणात्मक आवेश होगा तो उसे हम कार्बेनियन कहेंगे। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कार्बोकेटायन के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो जो कार्बोकेटायन था उसमें कार्बन पर कौन सा चार्ज था, प्लस चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज था, धनात्मक आवेश था। लेकिन ये जो कार्बेनियन है उसके जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे आप लोगों कार्बन पर ऋणात्मक आवेश देखोगे, मतलब निगेटिव चार्ज। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ऐसे कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कार्बन, ठीक है, यहाँ पे 4 पेयर में इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 2 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। प्लस इसमें ये बात है कि इसमें जो है वो निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 7 और 8 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा होते हैं इसमें, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए इसमें जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्डेड होते हैं, मतलब बंधित होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नॉन बॉन्डेड होते हैं। मतलब यहाँ पे देख रहे हो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे थे, तो 1 पेयर से बॉन्ड बन गया, 2nd पेयर भी बॉन्ड बन गया, 3rd पेयर से भी कोई ना कोई बॉन्ड बन गया, बट ये जो एक इधर जो बचा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है, वो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है वो कार्बन के पास उपस्थित रहता है, इसीलिए इसमें जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो रहता है। ये नॉन बॉन्डेड होता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि ये जो कार्बोकेटायन है आखिर वो कैसे बनते हैं, आखिर ये होता क्या है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सी कार्बन, ठीक है, कार्बन एटम, कार्बन परमाणु, यदि सी एटम एक्स एटम की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक हो, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, ये जो कार्बन है वो एक्स की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ठीक है, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो एक्स की अपेक्षा जो है वो ज्यादा है, तो अब क्या होगा, इस बॉन्ड के टूटने पर हेट्रोलाइसिस 2 इलेक्ट्रॉन सी एटम के पास जो है वो चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो एक्स की अपेक्षा ज्यादा होगी कार्बन की, तो इसमें का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक्स की तरफ ना जाकर सी की तरफ जो है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर आप लोगों को शो हो रहा है उसके साथ कोई ना कोई बॉन्ड जो है वो बना हुआ है, ठीक है, तो ये जो आप लोग देख रहे हो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसके बीच जो है वो कार्बन और एक्स के बीच जो है वो ये बॉन्ड बना हुआ है इस इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और कार्बन की तरफ जो है वो चले जाएंगे। ये जो मुड़े हुए तीर के निशान आप देख रहे हो उसी का ही चिन्ह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स की तरफ ना होकर कार्बन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि कार्बन इज ए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। तो इसमें जो है वो हेट्रोलाइसिस फिजन होगा, मतलब ये जो है वो दो भाग में जो है वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, कार्बन के पास क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, एंड एक्स के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक्स के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बढ़ गई, यही कहा जा रहा है, जिससे सी एटम जो है वो ऋणावेश, मतलब निगेटिव चार्ज हो जाता है, और जो एक्स है वो धनायन बन जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। कार्ब मतलब होता है कार्बन और एनायन मतलब होता है ऋणायन, मतलब जिसमें ऐसा कार्बन जिसमें ऋणायन या निगेटिव चार्ज जो है वो मौजूद हो, जिसे हम कहते हैं कार्बेनियन। बहुत ही इजी है, तो हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एथिल कार्बेनियन, कार्बन में यहाँ पे जो ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है।
इसी प्रकार एक और एग्जांपल हम लोग देख रहे थे आइसोप्रोपिल कार्बेनियन, यहाँ पे भी देख रहे हो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो है वो माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज जो है वो है, तो ये है इसका एग्जांपल। देन ये कैसे बनता है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जिसके कारण इसमें जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा क्या, डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो है वो फॉर्मेशन किन किन तरीकों से जो है वो हो सकता है। तो उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन, मतलब कार्बेनियन का बनना। तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं NH2 के साथ, अगर हम यहाँ पे निगेटिव चार्ज है मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो इनके पास प्रेजेंट है। इनका रिएक्शन अगर हम SC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ अगर हम कराते हैं तो क्या होगा, कैसे कार्बेनियन जो है वो बनेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो H और C के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू जो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो H की तरफ ना रहकर C की तरफ जो है वो चला जाएगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहे हैं वो सारे कार्बन के पास जो है वो चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, कार्बन पे जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा, मतलब कार्बेनियन, ठीक है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब ये जो H है, ये जो H है वो NH2 के साथ जो है वो कंबाइन हो जाएगा, जिससे यहाँ पे हो गया NH3, बाकी सारा चीज जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बन गया कार्बेनियन। सेम ऐसे ही इसी टाइप से अगर मॉलिक्यूल की अगर रिएक्शन हम HCH2CHO के साथ अगर हम कराते हैं तो सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर देख रहे हो आप लोग H और CH के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ जो है वो चले जाएंगे, जिससे कार्बन पे जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बढ़ गई इस वजह से। और ये जो H है वो OH के साथ जो है वो जुड़ जाएगा और वाटर का फॉर्म ले लेगा H2O, ठीक है। और ये जो CH2CHO है वो तो सेम उसी तरीके से रहेगा, मतलब बहुत ही इजी है, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि कैसे निगेटिव चार्ज कैसे पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ रहा है। देन थर्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड एंड, अगर हम इसमें मतलब अगर इसमें हम एक प्रोटॉन को जो है वो रिमूव करें, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो प्रोटॉन माइनस एच, ठीक है, मतलब इसमें से जो है वो एक प्रोटॉन CH3 इसमें से एक प्रोटॉन को अगर हम रिमूव कर देते हैं तब भी हमें कार्बेनियन जो है वो मिल जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो CH2 इसमें से एक प्रोटॉन को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास CH2C-, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे भी कार्बेनियन जो है वो हमें प्राप्त होगा। आगे का प्रोसेस तो खैर ऐसे ही रहेगा, चलते रहेगा, ठीक है। तो मेन हमें यहाँ फोकस करना है कि कैसे जब एक प्रोटॉन जो है वो यहाँ से रिमूव हुआ तो हमें कार्बेनियन जो है वो प्राप्त हुआ। फोर्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं सेम इसी तरीके से है, इसमें भी एक प्रोटॉन जो है वो रिमूव होगा, ये वाला एच जो है वो रिमूव होने के बाद यहाँ पे आपके मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एच और सी के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है तो इनमें का जो इलेक्ट्रॉन है वो सी की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, जिससे यहाँ पे जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड CH। आई होप यू फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। देन हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बेनियन, मतलब कार्बेनियन की जो अभिक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले है योगात्मक क्रिया, मतलब एडिशन रिएक्शंस। तो मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था कि कितने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे योगात्मक क्रिया, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शंस मींस क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल, चाहे वो अलग अलग सब्सटेंस के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हो, एक ही पदार्थ के अणु हो, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ करके केवल एक ही रिजल्ट देते हैं या एक ही क्रियाफल देते हैं, तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है वो योगात्मक रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन कहलाता है। सिंपल से वर्ड में बोलूं तो आपस में जो है वो मिल करके एक नया पदार्थ जो है वो बना लेना, दो मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम एडिशन रिएक्शन या योगात्मक रिएक्शन जो है वो कहते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, कार्बेनियन एल्डिहाइड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कार्बेनियन की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कार्बेनियन एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह, ये जो है वो कार्बेनियन एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह पर योगात्मक क्रिया करते हैं, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कार्बोनिल कंपाउंड, इसका रिएक्शन अगर हम कार्बेनियन के साथ कराते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O है, वो एक बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, जिससे O पे जो है वो ऑक्सीजन पे जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो CH2 मतलब इसमें जो निगेटिव चार्ज आप लोगों को शो हो रहा है वो C के साथ जो है वो एक बॉन्ड बना लेगा,
यहाँ पे आप लोग देख रहे हो CCH2 के साथ बॉन्ड बनाया है और ये जो एक बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर के यहाँ पे जो है वो निगेटिव चार्ज आ गया, बाकी सारा चीज जो है वो सेम है। ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, देखिए CH3C सिंगल बॉन्ड H, बस आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ दो चीज पे ध्यान देना है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट करके यहाँ पे जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन में। सेकेंड चीज ये कि जो CH2 है वहां पे जो है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये जो है वो कंबाइन हो जाएगा और कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बेनियन मिल करके एक नया कंपाउंड या एक नया क्रियाफल या नया रिजल्ट यहाँ पे हम लोग को शो हो रहा है। तो बहुत इजी है एडिशन रिएक्शन, इसे आप लोग लिख सकते हो एग्जाम में। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देन हम नेक्स्ट देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, अनेक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी कार्बोनिल भाग लेते हैं, मतलब सॉरी कार्बेनियन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जितने भी कार्बेनियन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मैलोनिक एस्टर के सोडियम लवण से बना हुआ कार्बेनियन एल्किल हैलाइड, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सोडियम मैलोनिक एस्टर, ठीक है। ये जो सोडियम मैलोनिक एस्टर है जब वो एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ जब वो क्रिया करते हैं मतलब इसके साथ जब वो रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, ये जो हैलोजन होते हैं उसे ये प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसीलिए इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा गया है, ठीक है। फिर से बता रही हूं मैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सोडियम मैलोनिक एस्टर की जब हम एल्किल हैलाइड के साथ जो है वो क्रिया कराते हैं या रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो है वो हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और एल्किल मैलोनिक एस्टर जो है वो बन जाता है। थोड़ा सा आप लोगों को इसे याद करना पड़ेगा और थोड़ा समझना भी पड़ेगा क्योंकि आगे आप लोगों को इसी तरीके का जो रिएक्शंस है वो शो होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा इसमें, इसमें क्या कहा जा रहा है, हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, मतलब इसमें का ये जो हैलोजन है वो यहां से निकल जाएगा और ये जो CH3 है वो C के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेंगे एंड H और C भी आपस में बॉन्ड बना करके ये आपस में जुड़ जाएंगे और इसमें का जो एक सोडियम है वो I के साथ मतलब हैलोजन के साथ आकर के जो है वो कंबाइन हो जाएंगे एंड हमें एल्किल मैनोलिक एस्टर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे तो आप लोग देख रहे हो NaI, बस इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस आप लोगों को सिंपली ये करना है कि ये जो सोडियम आप लोग देख रहे हो जिसमें प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इसे आप लोगों को आई के साथ मतलब आयोडीन के साथ जाकर के जो है वो कंबाइन कर देना है, बाकी जो CH3 है उसे इसके साथ जो है वो कंबाइन कर देना है, बाकी ये जो OCH2 C डबल बॉन्ड हो ये सारा चीज जो है वो सेम होगा, इसे कहते हैं एल्किन मैलोनिक एस्टर। बहुत ही ईजी है प्रतिस्थापन रिएक्शन। देन लास्ट में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनियन, मतलब जो कार्बेनियन का स्ट्रक्चर होता है संरचना होता है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, यह sp3 संकरित अवस्था में होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी मैंने आप लोगों को स्पेशल नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आप चाहो तो वहां पे जाकर के चेक कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन इज अ मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर यूनिट 1, ठीक है। तो ये जो है वो यह sp3 संकरित अवस्था में होता है, इनका शेप जो है वो टेट्राहेड्रल चतुष्फल की होनी चाहिए, मतलब इसका जो शेप है टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी जो आकृति है वो अमोनिया के समान पिरामिडीय हो जाती है। देखिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ये जो कार्बन है, ठीक है, इन तीन जो है वो ये जो कार्बन है वो 3 बॉन्ड है वो बनाए हुए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही क्या बताया था कि जो 3 बॉन्ड होते हैं और एक जो है वो नॉन बॉन्डेड होते हैं, मतलब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके वजह से यह जो है वो पिरामिडी शेप का हो जाता है एंड बॉन्ड एंगल 109.5 एंगल से हटकर 104 में हो जाता है। इसमें इसका जो कोण है आबंध कोण है उसमें भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनियन। तो आई होप यू गाइस ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा, इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।